नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं सुचिस्मिता, आप सभी का मेरे ब्लॉग नो एवरीथिंग डू एनीथिंग में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आए, जो कि सावित्री व्रत के ऊपर है। फ्रेंड्स, सावित्री व्रत हमारे उड़ीसा में सुहागनों के लिए बहुत स्पेशल होती है। ये व्रत हम अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने रात को 12 बजे के करीब ही अपना मेहंदी लगाया था, तो हर बार तो मैं इस पूजा के टाइम पे घर में होती थी तो सबके साथ ही सेलिब्रेट करती थी, लेकिन इस बार मैं अकेली बाहर हूँ तो इसीलिए अकेले ही मना रही हूँ। उस दिन मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठकर मैंने घर का साफ सफाई कर लिया और जल्दी से फटक से रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मेरा मेहंदी का कलर देखिए कितना सुंदर आया है। फिर मैंने पूजा की तैयारी की, आरती का सामान, सुहागन का सब सामान जो कि हमको पूजा में लगाना होता है, और फ्रूट्स वगैरह सब ले लिया। फिर हम 6:30 के करीब वट वृक्ष के पास पहुंच गए थे, जहां ऑलरेडी बहुत सी लेडीज पूजा कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने भी अपना पूजा शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने शुद्धिकरण किया और फिर मैं घट स्थापित करने लगी और एक एक करके सारा सामान निकालने लगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी विवाहित स्त्री व्रत रखती है उन्हें अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बरगद में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो अब तक मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है, जैसे कि इसमें मेन पंखा लगता है और कथा की बुक जिसकी हम पूजा करेंगे, अपना कलश भी बिठा दिया है और लक्ष्मी गणेश की भी पूजा की है, और देखिए जैसे सारा श्रृंगार का सामान है वो भी लगा दिया है और फ्रूट्स भी चढ़ा दिया है। इसमें 11, 14 या 21 तरह का फल चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है इस दिन सावित्री ने अपने कठिन तप के बल से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। फ्रेंड्स, पूजा करते टाइम इतनी जोर से हवा चल रही थी, हम लोग दिया ही नहीं चला पा रहे थे, अगरबत्ती भी नहीं लगा पा रहे थे। तो हम सब ट्राई कर रहे थे एटलीस्ट अगरबत्ती तो जल जाए। मेरे साथ भाभी आई थी, वो भी बैठकर पूजा कर रही थी। हमने बहुत इंजॉय किया, साथ में सब ने पूजा भी की और बहुत से औरतें वहाँ पे कथा भी पढ़ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कथा सुनते सुनते पूजा कर रहे थे हम लोग, और एट लास्ट मैंने छुपते छुपाते मेरा अगरबत्ती जला लिया और ये जल गई। उसके बाद फिर मैंने पूजा कर लिया और दिया जो था ना वो मैंने मंदिर में जाके जलाया। सभी ने वहाँ पे मंदिर में जाके दिया जलाया, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी दिया नहीं जल रहा था। फिर मैंने वृक्ष में धागा बांधा, तो वट वृक्ष के नीचे मेरा पूजा हो गया है। तो आइए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर, वहाँ भी मैंने पूजा किया और दिया जलाया। उसके बाद फिर हम घर पे जाएंगे। अब मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद जितना भी श्रृंगार का सामान लगाया था वो मैंने पहन लिया, और जो भी लगाया था नेल पॉलिश, काजल, आईब्रो, वो थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया, और मेहंदी जो कि मैं दूसरे हाथ में लगाऊंगी क्योंकि एक हाथ मेरा खाली रह गया था, उस हैंड में लगा लेंगे, और थोड़ा सा पाउडर लगा लिया। उसके बाद आती है सिंदूर की बारी। फिर सिंदूर लगाया मैंने, और इस सिंदूर को हम लोग सिंदूर दानी में ही रखते हैं, जिससे कि हम लोग डेली सिंदूर पहनते हैं। और फिर मैंने घर की पूजा स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया, फिर उनको ड्रेसअप करके मंदिर की शुद्धिकरण की, उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट किया। के बाद मैंने व्रत कथा पढ़ी। व्रत कथा पढ़े बिना ये व्रत अधूरा होता है। फिर 11:30 के आसपास मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे जल्दी। उनका बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैं वेट कर रही थी कि ये कब फ़ोन रखे और मुझे कब खिलाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। एट लास्ट इन्होंने फ़ोन रखा और फिर मैंने इनके पैर धोए और आरती की, तिलक लगाया और फिर लड्डू खिलाया, जिसे हमने पूजा में चढ़ाया था पंखा, उस पंखे से इनको पंखा किया। तो
तो ये मुझसे मजाक करने लगे कि अच्छे से पंखा करो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है थोड़ा ज़ोर से। तो एक तो मुझे इतनी प्यास लग रही थी और इनको मजाक सूझ रहा था। फिर इन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया, पानी पिलाया और हाथ में व्रत धागा बांधा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी वट सावित्री की पूजा इस तरह से की। आप सभी ने अपना वट सावित्री की पूजा किस तरह से की मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू।